Women Entrepreneurs Society की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड ये स्टॉल्स वुमन एंटरप्रेनर्स के सेल्फ प्रोड्यूस्ड ट्रेडिंग इस तरह के जो स्टॉल्स का आयोजन यहाँ पर हमारी बहनों ने किया आयशा और रिजवाना और इनके सभी साथी इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मीरा भयंदर ने पहली मरतबा इस तरह से एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के किसी इस तरह का स्टॉल्स ऑर्गेनाइज किया गया है जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को उनके सेल्फ प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लोगों के सामने मार्केट में लाने का मौका उन्होंने दिया जिसके लिए वो मुबारकबाद के हकदार आप लोगों इस्लाम में जो लोग शायद पूरी तरकीब से या पूरी तरह से मजहब को शायद नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं या लोग नहीं समझते हैं ज़्यादातर लोग इसी तरह से हैं और यही वजह है कि बिगर कौमें जो है ये कहती हैं कि इस्लाम में औरतों को हुकूक नहीं दिए गए औरतों को पीछे रखा जाता है इस्लाम इस तरह का मज़हब है ये इस तरह की बातें जो पूरी दुनिया में की जाती है ये इसलिए की जाती है कि लोगों को इस्लाम के तालुक से मालूमात कम है जबकि इस्लाम में औरतों को इक्वल राइट्स दिए हैं इक्वल राइट्स दिए एजुकेशन में दिया है बिजनेस में दिया है हर चीज में औरतों को जो है वो मर्तबा इस्लाम ने दिया है और ये हमारी बहनों ने यहाँ पे आज ये जो काम किया है हकीकत में काबिल तारीफ है आप इसी तरह से काम कीजिए और यहाँ पर जिन माओं ने बहनों ने हमारी स्टॉल्स लगाए हैं और वो जो कारोबार में उन्होंने इंटरेस्ट लिया है सेल्फ प्रोडक्ट्स मैंने देखा कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स क्लोथिंग को मेजॉरिटी बेसिस पे क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स हमने देखे सोप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऐसे कई चीज़ें जो सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए बड़ा जिगर और हौसला लगता है ये चीज़ें बना देना आसान है मगर मार्केट करना सबसे मुश्किल काम है मगर अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है सोशल मीडिया का ज़माना है हर चीज़ इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पर ट्विटर पर सोशल मीडिया पर फेसबुक पर दिखाई जा सकती है बेची जा सकती है मार्केटिंग गिमिक्स हैं उसका इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करें और स्टॉल्स के जरिए भी आगे के लिए मैं एक सुझाव सूचना आपको देना चाहूंगा कि अगर आपने एक क्या कहते हैं एलईडी स्क्रीन लगाई एंट्रेंस के ऊपर ही लगाई या जहां से सब दिखाई पड़े और उसमें जितने लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स और स्टॉल्स रखे हैं उसमें फ्यू सेकंड्स के उनके स्लॉट्स चलते रहेंगे तो लोग जैसे जो आते हैं तो उनका एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा वरना हर आदमी पूरे काउंटर्स पे घूमता नहीं है तो ये एक एलईडी आप लगा दें या एक टीवी लगा दें उसके ऊपर रनिंग आप इस तरह से करेंगे तो इंसान एंट्रेंस के ऊपर 2 मिनट रुकेगा देख लेगा इंफॉर्मेशन कौन से स्टॉल से कौन सा नंबर है तो उस स्टॉल पे जा सकता है ये एक एडिशन आप कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रेड फेयर्स अटेंड करता हूँ इंटरनेशनली भी करता हूँ नेशनली भी करता हूँ डोमेस्टिक भी करता हूँ हर सेक्टर्स के करता हूँ एग्रीकल्चर का करता हूँ टेक्नोलॉजी का करता हूँ सिर्फ मुझे उसमें से सीखने मिलता है इसके लिए करता हूँ बाकी मेरा कोई कारोबार नहीं है हाँ अभी लेटेस्ट जो 2-3 सालों में मैंने अपना इंटरेस्ट जो बढ़ाया है वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग में बढ़ाया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में बढ़ाया है इसके लिए महाराष्ट्र भर में जहाँ भी फार्मर्स के इस तरह के ट्रेड फेयर लगते हैं तो वहाँ टेक्नोलॉजी आसानी के लिए देखने में जाता हूँ तो एक इंटरेस्ट और नॉलेज गेन करने के लिए मैं जाता हूँ जैसे आपने जो किया है आपको आप मुबारकबाद के हकदार हैं और यहाँ पर
तमाम लोगों ने जिन्होंने स्टॉल्स लगाया है उनको भी मैं बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।